नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस हफ्ते यानी कि डिस्कशन कम्युनिटी के जो 9वें सप्ताह का छत्तीसगढ़ का मुद्दा था उसको यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं फुल ब्रीफ में। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे पर आप लोगों को इस सप्ताह एयर पॉल्यूशन से संबंधित टॉपिक दिया गया था उसका एनालिसिस वीडियो आप लोगों को 1 से 2 दिन में मिलेगा। आज हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस सप्ताह का जो टॉपिक दिया गया था, जो कि हाल ही में आप लोगों को पता है कि नगरीय निकाय चुनाव में जो भी प्रक्रिया पहले थी उसमें अमेंडमेंट किया गया है मौजूदा सरकार की तरफ से, तो इसी अमेंडमेंट पर आधारित इस क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर अटेम्प्ट करना था। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास भी किया है, तो इसको आज हम लोग यहाँ पर फुल ब्रीफ में देखेंगे कि किस प्रकार से संशोधन किया गया है, कौन सी प्रक्रिया पहले थी और उस प्रक्रिया में किस प्रकार से यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है। यहाँ पर हम दो तरह से चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम यानी कि छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट आपका जो 1956 था उसमें किस प्रकार से संशोधन हुआ है, यानी कि नगर निगम के लिए किस प्रकार से संशोधन हुआ है, इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट यानी कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका एक्ट जो आपका 1961 था, जो कि नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद से संबंधित था, उसमें किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और इन्हीं दोनों एक्ट पे आधारित आप लोगों को यहाँ पर उत्तर लिखना था। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास भी किया है जैसे मैंने पहले भी बताया था। इसके अलावा एक बात और समझिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि नगरीय निकाय में जिस प्रकार से अभी संशोधन किए गए हैं और ये पूरी चुनावी प्रक्रिया पर आधारित आपसे एसी का क्वेश्चन पूछा जाए, ये कभी संभावना बनती है। अगर यहाँ से एसे का क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है तो पूरा नगरीय विकास से संबंधित बन सकता है या फिर नगरीय विकास के नए दौर से संबंधित बन सकता है, लेकिन ये दोनों में जिस तरह से अमेंडमेंट किए गए यहाँ एसे राइटिंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए इसकी संभावना बहुत कम है। तो ये क्वेश्चन आधारित था आपका पेपर नंबर 3 में जहाँ पर पंचायत और नगर पालिका निगम से संबंधित वहां पर जो आपके टॉपिक है उससे रिलेटेड आपसे वहां पेपर नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन था वो विश्लेषण यानी कि व्याख्या के रूप में रखा था। आप अगर इस क्वेश्चन को 175 वर्ड में भी अटेम्प्ट करते तो बहुत सफिशियंट होता, क्योंकि इस सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिकतर संभावना बनती है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपका छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम में संशोधन किया गया है और किस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है। एक बात यहाँ पर आप देखिए कि मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग एक एक करके यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ये जितने पॉइंट्स पे एनालिसिस करेंगे ये सेम पॉइंट भी इधर रिपीट होते जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ इसमें शब्द चेंज होते जाएंगे। वो शब्द किस प्रकार से चेंज होंगे वो मैं आपको यहाँ भी अपडेट करवाते चलूंगा। तो दोनों छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम को भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे और छत्तीसगढ़ नगर पालिका को भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक दो बातें और समझ लीजिएगा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप यहाँ पर समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ए कि छत्तीसगढ़ में नगर पालिका से संबंधित हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान का 74वां यानी कि 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत में हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया और उसमें एक अनुसूची जोड़ी गई यानी कि शेड्यूल जोड़ा गया 12वां शेड्यूल। उसमें म्युनिसिपैलिटी से संबंधित वहां पर म्युनिसिपैलिटी से संबंधित व्याख्या किया गया। इसके अलावा हमारे संविधान का भाग 9A में भी वहां पर संशोधन करके म्युनिसिपैलिटी से संबंधित जो भी है व्यवस्थाएं की गई। और इसके अलावा अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक 243P से लेकर 243ZG तक जो है नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अमेंडमेंट में 3 प्रकार के नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई है। सबसे पहला आपका नगर निगम, इसके अलावा उसके बाद नगर पालिका परिषद और उसके बाद नगर पंचायत। तो ये तो हो गए संवैधानिक प्रावधान। अब यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन से एक्ट के तहत यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य कौन से अपना एक्ट को फॉलो करता है जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई है। तो एक है आपका छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 जिसमें नगर निगम से संबंधित व्यवस्थाएं दी गई है, और एक है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961। और यहाँ पर मैंने जो दो चीजें लिखी हैं छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन
अध्यादेश 2019, यानी कि 2019 में जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस का नाम ये है और इसी के हिसाब से जो बदलाव किया गया वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं बदलावों को आप लोगों को जो है अपने मेंस के एसओ राइटिंग में लिखना है। सबसे पहला बदलाव यहाँ पर पहले पॉइंट पे हम लोग जिक्र करें तो महापौर की परिभाषा। तो इसमें महापौर की परिभाषा फिक्स किया गया है। आप लोगों को पता है कि नगरीय निकाय में जो अब चुनाव होंगे और पहले जो चुनाव होते थे उसमें महापौर का परिभाषा बदल दिया गया। कैसे बदल दिया गया इस बात को समझिएगा। पहले महापौर का जो इलेक्शन होता था यानी कि चुनाव होता था वो किस तरह से होता था, डायरेक्ट होता था यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होता था। किसके द्वारा होता था, प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है यानी कि जनता के द्वारा होता था। ठीक, जब आप नगरीय निकाय से संबंधित वहां पर नगर निगम में जब अगर आप चुनाव में वोट डालने अगर गए होंगे इससे पहले तो आप लोग वहां पर दो वोट डाला करते थे। एक वोट आप अपने पार्षद के लिए डालते थे और दूसरा वोट जो है वो महापौर के लिए डालते थे क्योंकि महापौर का इलेक्शन भी प्रत्यक्ष रूप से होता था। लेकिन इस संशोधन में महापौर की परिभाषा बदल दी गई है। अब महापौर का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा यानी कि इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ पार्षद को चुनेंगे और पार्षद जो है वो महापौर को चुने। तो इसीलिए अब इस संशोधन में महापौर की जो परिभाषा पहले प्रत्यक्ष रूप से दिया गया था अब वो महापौर की इस परिभाषा में बदलकर महापौर का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से करने का फैसला लिया गया। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर समझिएगा कि इससे संबंधित यानी कि इस एक्ट में जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं और जिस जिस सेक्शन में अमेंडमेंट किए गए हैं वो सेक्शन आप लोगों को यहां पर याद रखने की जरूरत नहीं। समझ गए, बस इतना याद रखिएगा कि महापौर की परिभाषा किस तरह से बदली गई है, महापौर का चुनाव किस प्रकार से होगा, पार्षद का चुनाव किस प्रकार से होगा, महापौर का आरक्षण की व्यवस्था, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। सेक्शन पर उतना ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आप जिस बुक में डिटेल में भी पढ़ते हो उसमें भी सेक्शन की व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर सेक्शन वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिन जिन पॉइंट्स पे मैं बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महापौर पद का आरक्षण, सेकंड पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर महापौर के पद, अगर यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर हम लोग बात करें तो महापौर का जो पद है यानी कि मेयर का जो पद है उसमें आरक्षण की व्यवस्था जो है पहले किस प्रकार से थी और अब जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर एक बात समझिएगा। ठीक है, अब देखिए महापौर यानी कि मेयर के आरक्षण की व्यवस्था पहले किस प्रकार से थी वो समझिएगा। छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या कितना है, 13। ठीक है, अब इस नगर निगम में से एक नगर निगम आप मान लो अंबिकापुर, अंबिकापुर का नगर निगम किसके लिए आरक्षित है, तो अंबिकापुर नगर निगम शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। तो अगर जो पहली प्रक्रिया देखें तो पहली प्रक्रिया के अंतर्गत में महापौर की नियुक्ति कैसे होती थी, डायरेक्ट जनता द्वारा होती थी। तो जो महापौर है वो डायरेक्ट एसटी कैटेगरी के किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था यानी कि उस नगर निगम में यानी कि अंबिकापुर नगर निगम में एसटी का कोई प्रत्याशी वहां पर खड़ा होता था। अब क्या इस प्रक्रिया में है, इस प्रक्रिया के तहत अब चुनाव जो है वो इनडायरेक्टली हो रहा है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि यहाँ पर महापौर की नियुक्ति कैसे हो रही है, पार्षदों के बीच से हो रही है। तो अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि अगर आप मान लीजिए पार्षदों की संख्या क्या होती है नगर निगम में, अधिकतम एक वार्ड में, अधिकतम एक नगर निगम में 70 पार्षद हो सकते हैं और मिनिमम 40 हो सकते हैं। और अगर उस नगर निगम की जनसंख्या जो है 10 लाख या 10 लाख से अधिक है तो 85 तक पार्षदों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब महापौर जो है इसी 70 पार्षद में से कोई एक होगा। तो अगर मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति जो है किसी ऐसे वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ा जो कि जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित है, अब जनरल कैटेगरी पर तो कोई भी लड़ सकता है, एससी भी लड़ सकता है, एसटी भी लड़ सकता है या फिर ओबीसी का प्रत्याशी भी लड़ सकता है। तो यहां से अगर ये जनरल कैटेगरी पर कोई भी प्रत्याशी लड़ा पर ये एसटी के लिए आरक्षित है तो अगर एसटी के लिए यहां से अगर चुनाव लड़ता तो वो तो महापौर बन ही सकता था, लेकिन अगर जनरल के लिए भी लड़ता है तो भी तो यहाँ पर महापौर बनेगा ही। क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी से चाहे एसटी हो, चाहे एबीसी हो, चाहे ओबीसी हो या फिर कोई हो चुनाव लड़ रहा है तो भी वो महापौर बन सकता है। तो ये यहाँ पर महापौर के पद के आरक्षण से संबंधित दूसरा व्यवस्था किया गया।
अब ये दोनों व्यवस्थाओं को इसमें समझिएगा, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में, यानी कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत से संबंधित। यहाँ पर महापौर की परिभाषा हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हम अध्यक्ष की परिभाषा डिस्कस करेंगे। सेम चीज यहाँ पर मैंने बताया कि महापौर का चुनाव किसके बीच से होगा, पार्षदों के बीच से, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, सारे प्रोसीजर मैंने बता दिए। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो सेम प्रोसीजर के साथ में होगा, बस यहाँ पर हम महापौर के लिए डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अध्यक्ष के लिए डिस्कस करेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पर जो महापौर के आरक्षण से संबंधित हमने डिस्कस किए, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अध्यक्ष के आरक्षण से संबंधित सेम प्रोसीजर होगा, किसी तरह से इसमें कोई बदलाव नहीं है, बस यहाँ पर महापौर और यहाँ पर अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में समझिएगा चुनावी खर्च का ब्यौरा। चुनावी खर्च का ब्यौरा पहले क्या होता था, पार्षद और महापौर का इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता था, जैसे हमने पहले भी बताया। अब पार्षद और महापौर का इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, तो पहले महापौर को जो है अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होता था और पार्षद अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देते थे। अब चूंकि महापौर जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं, यानी कि जनता के द्वारा नहीं चुने जा रहे हैं, महापौर चुनाव लड़ ही नहीं रहा है, तो वहां पर महापौर चुनावी खर्च का ब्यौरा या चुनावी खर्च क्यों करेगा। तो अब यहाँ पर चुनावी खर्च को ब्यौरा किसको देना होगा, चुनावी खर्च का जो ब्यौरा है वो देना होगा आपके पार्षद को। दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई होंगे, यहाँ भी पार्षद को ही चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा, महापौर को नहीं, क्योंकि महापौर तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहे, जनता के बीच से तो नहीं चुन रहे, तो उनको चुनावी खर्च का ब्यौरा किस प्रकार से देना होगा। सेम प्रोसीजर यहाँ होगा, अध्यक्ष अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देगा, क्योंकि अध्यक्ष जो है डायरेक्ट चुनाव थोड़ी लड़ रहे, तो ये और ये दोनों में पार्षदों को चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा। तो इसमें संशोधन ये किया गया है कि जहां पर पार्षद और महापौर या फिर पार्षद या अध्यक्ष का जिक्र होता था, वहां से महापौर और अध्यक्ष का जो पद था उसको लोप कर दिया गया। तो अब चुनावी खर्च का ब्यौरा किस प्रकार से होगा, यहाँ पर एक बात समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर नगर निगम की बात करें, तो नगर निगम में अगर कोई नगर निगम का जनसंख्या 3 लाख से अधिक, अगर यहाँ पर किसी नगर निगम की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, तो उस क्षेत्र के जितने भी वार्ड के पार्षद होते हैं, एक पार्षद के पास में अधिकतम खर्च की जो रकम होगी वो 5 लाख रुपए, ठीक। और 3 लाख से अगर कम की जनसंख्या है, अगर मान लो 3 लाख से कम की जनसंख्या है, तो उस नगर निगम क्षेत्र के जितने भी वार्ड होंगे और उस वार्ड के प्रत्याशी को अधिकतम 3 लाख रुपए तक का खर्च करने की अनुमति है। ये प्रोसीजर हो गया आपका नगर निगम के लिए। अब यहाँ पर सेम हम आ जाते हैं किसके लिए, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए, कि यहाँ के पार्षदों को खर्च करने की व्यवस्था किस प्रकार से दी गई है। नगर पालिका परिषद के वार्ड प्रत्याशी यानी कि पार्षद जो होंगे उनको अधिकतम खर्च करने की सीमा जो है वो 1 लाख रुपए की है, और नगर पंचायत में जो पार्षद है उनको चुनावी खर्च के लिए अधिकतम सीमा जो दी गई है वो 50,000 रुपए, यानी कि आप अपने वार्ड में 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, महापौर का यहाँ पर किसी प्रकार से कोई ब्यौरा नहीं देना है, या फिर अध्यक्ष को किसी प्रकार से कोई ब्यौरा नहीं देना है, तो ये सुधार इसमें किया गया है। एक बात और कि ये इसमें कुछ टाइमलाइन भी है, दोनों में टाइमलाइन सेम है, तो टाइमलाइन मैं एक बता दे रहा हूँ दोनों के लिए जो है वो सेम होगा। टाइमलाइन ये है कि जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई, जिस दिन परिणाम आ गए, तो परिणाम आने के 30 दिनों के अंदर में आपको यहाँ पर ब्यौरा देना होगा कि आपने चुनावी प्रक्रिया में कितने रुपए खर्च किए। ब्यौरा आप उसको दोगे जिसकी तरफ से, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जिसे भी वहां पर नियुक्त किया जाएगा, ब्यौरा आपको उसको देना होगा परिणाम के 30 दिनों के अंदर। आज परिणाम आ गए तो आज से 30 दिनों के भीतर हमको ब्यौरा देना होगा कि हमने कितने रुपए खर्च किए, ठीक। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यहाँ पर चुनावी खर्च का ब्यौरा होगा। अब यहाँ पर महापौर की आयु से संबंधित, महापौर का आयु अब यहाँ पर समझिएगा, पहले क्या था कि महापौर का जो आयु था वो 25 वर्ष था न्यूनतम, यानी कि अगर आप महापौर का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, और अगर आप पहले पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, तो अब तो यहाँ पर महापौर जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं,
पार्षदों के बीच में से ही चुने जाएंगे। तो अब पार्षदों का जो एज लिमिट था वो 21 वर्ष था, तो अब यहाँ पर महापौर का जो भी एज लिमिट था पहले 25 वर्ष था लेकिन अब 21 वर्ष रहेगा। ठीक है, समझ गए। महापौर जो पहले 25 वर्ष के हुआ करते थे अब 21 वर्ष के भी महापौर नियुक्त किए जा सकते हैं, और सेम अध्यक्ष भी जो है वो 21 वर्ष के नियुक्त किए जा सकते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया। इसके बाद महापौर का शपथ समझिएगा। पहले डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, पार्षदों का भी शपथ ग्रहण होता था, इसके अलावा महापौर का भी शपथ ग्रहण होता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर महापौर को अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्षद का शपथ ग्रहण होगा। और पार्षद के शपथ ग्रहण में ही महापौर जो चुने जाएंगे उनको यहाँ पर अलग से किसी प्रकार से शपथ लेने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसीजर यहाँ पर अध्यक्ष के लिए फॉलो होगा। इसमें भी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में भी शपथ जो है सिर्फ और सिर्फ पार्षद लेंगे, अध्यक्ष को किसी प्रकार से जो है शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पार्षदों का सम्मेलन। पार्षदों का सम्मेलन कहने का मतलब है कि पहला सम्मेलन, जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं परिणाम आ जाते हैं तो उसके बाद पार्षदों का प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है। जब पार्षदों का प्रथम सम्मेलन आता है तो उस पार्षदों के प्रथम सम्मेलन के बीच से अध्यक्ष और महापौर का चुनाव किस प्रकार से होगा उसके बारे में बताएंगे। पहले महापौर तो नियुक्त होकर ही आते थे, जब प्रथम सम्मेलन होता था पहले तो महापौर तो नियुक्त होकर ही है तो महापौर का कोई झंझट नहीं होता था, लेकिन एक अध्यक्ष का चुनाव तो होता था ना। जैसे आप राज्यसभा में, जैसे आप लोकसभा में देख लो, राज्य विधानसभा में देख लो, वहाँ एक अध्यक्ष होते हैं जो कि जितने भी सदस्य होते हैं उनको साथ लेकर उस सदन के संचालन की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार से जो भी यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज का सम्मेलन होता है उसके लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो अब यहाँ पर जो अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके साथ में महापौर का भी चुनाव होगा। तो इसमें संशोधन ये किया गया कि पार्षदों के बीच से पहले अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था, तो जो कि अब महापौर को भी पार्षदों के बीच से ही चुनना है, तो इस संशोधन में सिर्फ वहां पर अध्यक्ष साथ में तथा महापौर जोड़ दिया गया है, यानी कि पार्षद जो चुनेंगे वो अध्यक्ष के साथ साथ में महापौर को भी चुनेंगे। तो ये प्रक्रिया हो गई है इसमें, यानी कि पार्षदों का प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ में अब महापौर को का भी चुनाव होगा। पहले सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव होता था क्योंकि महापौर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित होकर आते थे। अब यहाँ पर एक बात और यहाँ पर समझिएगा कि जैसे ही चुनाव परिणाम आए, चुनाव परिणाम के 15 दिन के भीतर, चुनाव परिणाम के 15 दिन के भीतर जो है पार्षदों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और उस प्रथम सम्मेलन की जो अध्यक्षता कौन करेंगे, उस प्रथम सम्मेलन का अध्यक्षता वो इंसान करेगा जिसको राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त करेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पार्षदों का जो प्रथम सम्मेलन होगा और पार्षदों के प्रथम सम्मेलन का अध्यक्ष जो है उस वह व्यक्ति करेगा जिसको राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त करेगा। 15 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि अगर आप समझ लीजिए कि जिस दिन प्रथम सम्मेलन हुआ उस दिन ना अध्यक्ष का चुनाव हो पाया ना महापौर का चुनाव हो पाया, ठीक है, तो अगला दिन फिर से बैठक होगा, दूसरा दिन फिर से बैठक होगा, इसके अलावा डेट बढ़ते जाएंगे जब तक चुनाव प्रक्रिया नहीं हो जाता। यहाँ पर 30 दिन का समय, 30 दिन के अंदर आपको अध्यक्ष और महापौर की नियुक्ति कर लेनी ही होगी, खासकर महापौर की नियुक्ति 30 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। और अगर 30 दिन के भीतर महापौर वहां पर पार्षद नहीं चुन पाते तो ऐसी स्थिति में उस नगर निगम का विघटन किया जा सकता है, और नगर निगम का विघटन कौन करेगा, नगर निगम का विघटन यहाँ पर राज्य सरकार। इसमें भी अमेंडमेंट किया गया है कि नगर निगम का विघटन कब किया जा सकता है वो आगे हम लोग डिस्कस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर 15 दिन के अंदर में प्रथम सम्मेलन आएगा और 30 दिन के भीतर अगर आप वहां पर महापौर की नियुक्ति नहीं कर लेते तो उस नगर निगम का विघटन किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की तरफ आ जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने बहुत बार सुना है, बहुत बार पॉलिटी में भी पढ़ा है। पहले क्या होता था, जैसे बार बार हमने डिस्कस किया, सिर्फ एक ही चीज, एक ही पॉइंट्स पे है, जैसे महापौर का नियुक्ति अब अप्रत्यक्ष रूप से हो गया है, पहले प्रत्यक्ष रूप से था, तो अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन कौन सी प्रक्रिया में बदलाव आएगा।
अब पहले जब महापौर की नियुक्ति या फिर इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति जनता डायरेक्ट कर रही है, तो अगर उनको हटाना है तो जनता के रिकॉल से हटाया जाता था, यानी कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता था हटाने के लिए महापौर या अध्यक्ष को, वो रिकॉल की प्रक्रिया थी, यानी कि जनता अगर उनको चुन रही है तो जनता ही हटाएगी। अब इस नए संशोधन में अगर वहां पर जो है महापौर या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है, तो यहां पर अविश्वास प्रस्ताव के तहत दोनों को हटाया जा सकता है, यानी कि सदन के जो भी पार्षद हैं। कहने का मतलब ये है कि इस नगर निगम या फिर इस नगर पालिका परिषद या फिर नगर पंचायत में जितने भी पार्षद हैं, वो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर 2/3 बहुमत के साथ में महापौर या फिर अध्यक्ष को हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो विघटन की प्रक्रिया है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना कि कोई नगर निगम या फिर नगर पालिका परिषद या फिर नगर पंचायत का विघटन कैसे होगा, विघटन की प्रक्रिया को आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से समझिएगा कि सबसे पहले तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का विघटन कौन करेगी, यहाँ पर मैंने बताया राज्य सरकार। प्रथम सम्मेलन आपको 15 दिन के भीतर में करना होगा और उस प्रथम सम्मेलन के अंतर्गत आपको वहां पर अध्यक्ष और महापौर की नियुक्ति करनी है, खासकर महापौर। और अगर आप जिस दिन परिणाम आया उस दिन से लेकर 30 दिन तक आपने महापौर की नियुक्ति पार्षदों के बीच से नहीं कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में राज्य सरकार जो है उस नगर निगम को विघटित कर सकता है या फिर उस नगर पालिका परिषद को राज्य सरकार विघटित कर सकती है। तो ये प्रोसीजर है विघटन। एक पॉइंट यहाँ पर और समझिएगा, वो पॉइंट है आपका निर्वाचन याचिका। अब ये निर्वाचन याचिका क्या है, अगर समझ लो यहाँ पर किसी भी प्रकार से नगर निगम या नगर पालिका परिषद में इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन में आपको किसी भी प्रकार के निर्वाचन प्रक्रिया से आपको वहां पर दिक्कत है या फिर भी किसी प्रकार की गलत एक्टिविटीज वहां पर मेंबर के द्वारा किया जा रहा है, जो चुनाव प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको यहां पर क्या करना होगा। पहले प्रोसीजर ये था कि आपको जो है यानी कि जो जनता डायरेक्ट जिनको चुन रही है उनके खिलाफ वहां पर याचिका दायर कर सकते थे जिला कोर्ट। लेकिन अब यहाँ पर जब आप महापौर को अप्रत्यक्ष रूप से पार्षद चुन रहे हैं तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से निर्वाचन याचिका दायर करना हो तो समझिएगा, पार्षद को आप डायरेक्ट चुन रहे हो, अगर आप यहाँ पर पार्षद से संबंधित आपको याचिका दायर करना है तो इस क्षेत्र का जो भी जिला न्यायालय होगा वहां जनता यानी कि वार्ड, उस वार्ड का जो भी सदस्य है वो जाकर पार्षद के खिलाफ यहाँ पर याचिका दायर कर सकता है। अगर महापौर के खिलाफ निर्वाचन याचिका दायर करना है तो यहाँ पर एक चीज समझनी योग्य है कि महापौर के खिलाफ याचिका जो है वो जनता दायर नहीं करेगी, पार्षद जो है वो महापौर के खिलाफ याचिका दायर करेगी उस संबंधित जिला न्यायालय में। तो ये दो बातें यहाँ पर समझना होगा, पहले महापौर के लिए भी जो याचिका दायर है वो जनता कर सकती थी, लेकिन अब जनता महापौर के लिए याचिका दायर नहीं करेगी, पार्षद महापौर के लिए याचिका दायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं, पहले किस प्रकार से प्रोसीजर था, अब किस प्रकार से प्रोसीजर है, इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार से नगरीय निकाय चुनावी प्रक्रिया के नए स्वरूप से संबंधित आपसे क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनना चाहिए। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर सेक्शन 5, सेक्शन 9, सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 14, सेक्शन 18, सेक्शन 22 या फिर सेक्शन 441 या फिर सेक्शन 442, जिस तरह से यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत है। आप जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया में बदलाव हुए हैं, पहले किस प्रकार से थे और अब किस प्रकार से हैं, वो चीजें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, पहले अगर यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन होता था तो बैलेट पेपर से नहीं होता था, वोटर मशीन से होता था, ईवीएम मशीन से होता था, लेकिन इस साल जो चुनावी प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है उसमें वोटर जो है बैलेट पेपर से करवाया जाएगा, यानी कि मत पत्र से ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में याद रखना, 74th अमेंडमेंट 1992 को पढ़ लेना, कौन से अनुसूची कौन से शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज से संबंधित प्रावधान है, कौन से भाग में है, कौन सा अनुच्छेद है, इसके अलावा
इसकी अधिसूचना यानी कि जो संशोधन किया गया इसे राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया इस बात को भी ध्यान रख लेना। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है 25 अक्टूबर 2019 दोनों संशोधन, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि एसए से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन आए इसकी बहुत कम संभावना है। मुख्य परीक्षा में आपका पेपर नंबर 3 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने उसी प्रारूप में यहाँ इसको एक्सप्लेन किया है। फ्रेमिंग मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ, आप शुरुआत कैसे करेंगे, आप शुरुआत यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ में करो, उसके बाद किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं वो सारी चीजों को लिखो और इसको पढ़ने के बाद एनालिसिस करो पहले के प्रोसीजर क्या थे और आपके प्रोसीजर क्या है, तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां निकालने के साथ में और ओन ओपिनियन के यहाँ पर फैक्ट्स के साथ में रख सकते हो, तो इसके आधार पर आप एक कंप्लीट पैकेज इस टॉपिक का बना सकते हो। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले खासकर मुख्य परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं तो इतना ब्रीफ में डिस्कस करने के बाद आपका यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा से भी अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ से बनने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डिस्कशन कम्युनिटी पर अगर आप भी अपने उत्तर लेखन को बनाना चाहते हो तो हर सप्ताह प्रयास कर सकते हो, वो सिर्फ ना करंट का टॉपिक होता है, करंट के टॉपिक के साथ में ही आपका जो जनरल स्टडीज वाला टॉपिक है उसके साथ में एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर आपको वो टॉपिक दिया जाता है, तो आपका बहुत सारा पार्ट यहाँ पर कवर होते जा रहा है। तो हर सप्ताह कम से कम एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आप जो भी वहाँ पर डिस्कशन कम्युनिटी पर पोस्ट करोगे अपना आंसर राइटिंग लिखकर हम उस पर कमेंट भी करेंगे, और जिनको ये लगता है कि कमेंट नहीं मिल पा रहा है ऐसा बिल्कुल गलत फहमी में मत रखी रहिए, एक दो दिन हो सकता है लेट होता है काम की वजह से लेकिन आपको उस पर कमेंट जरूर मिलेगा। तो आप लोग डिस्कशन कम्युनिटी के साथ में जरूर जुड़िएगा, नेशनल इशूज हो या छत्तीसगढ़ इशूज हो आप लोग डिस्कशन कम्युनिटी पर कमेंट जरूर किया कीजिए, पोस्ट जरूर किया कीजिए, उत्तर लिखने का प्रयास किया कीजिए। आप लोग का प्रयास अगर होते रहेगा तो आप लोग एक बेहतर उत्तर लेखन कर सकते हो। तो डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे डिस्कशन कम्युनिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट है वहां पर चले जाओ, सारे एनालिसिस को देख ले एक बार, वहां पर ये भी बना हुआ है कि डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है, आपको पोस्ट कैसे करना है, अगर आप नए यूजर हो तो वहां जाकर सीख सकते हो। इसके अलावा इस हफ्ते जो टॉपिक क्रिएट किया जाएगा उसको आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।